मुंगेली जिले के लोलमी में लोकसभा निर्वाचन को लेकर जिला प्रशासन ने शुक्रवार सुबह गोंड खामी हाई स्कूल मैदान से बाइक रैली के रूप में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें सुबह से ही सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी और सक्रिय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मतदाता जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना पहली प्राथमिकता होगी। लोग हमारे पास आवास पेंशन मांगने कलेक्टर ऑफिस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मतदान करने मतदान केंद्र तक नहीं जाते। इसलिए मतदाताओं को जागरूक और अपील किया जा रहा है कि अधिक संख्या में मतदान करें। लोहमी से देवेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य मतदाता जागरूकता है। हम चाहते हैं कि मुंगेली जिले में 100% मतदान हो, जिसके लिए हमारी पूरी टीम सीओ जिला पंचायत के नेतृत्व में लगी है। हमारे साथ एसपी साहब भी आए हुए हैं। गांव में आके हम लोगों से बात कर रहे हैं कि मतदाता जागरूकता कैसे हो, अधिक से अधिक संख्या में लोग कैसे मतदान करने निकलें। जिले में लगातार मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये जिले से स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विभिन्न टाइप के प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज यहाँ पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया है और हमारा ये लक्ष्य है कि पूरे क्षेत्र के साथ में पूरे जिले की जनता को जागरूक कर हम 100% मतदान के लिए प्रेरित करें।